त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगत गुरु शंकराचार्य की अगुवाई में सुवन वाटिका से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। सुवन वाटिका में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के अवसर पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का रीवा में हुआ आगमन। इस अवसर पर स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज पूर्व योजना अनुसार रीवा पहुँच चुके हैं। हम आपको बता दें कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ VVIP वाहन में सवार शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आगमन से सुवन वाटिका भक्ति सागर में डूब चुकी है। त्रिपुर सुंदरी देवी के इस स्फटिक से निर्मित प्रतिमा का सुवन वाटिका में मंदिर में स्थापित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि हजारों वर्ष किसी भी स्थान पर दबी हुई बर्फ से स्फटिक मणि निर्मित होती है। त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा मध्य प्रदेश में भोपाल अतिरिक्त रीवा में पहली बार इसकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। स्वामी जी के आगमन पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, पूर्व विधायक नीलम मिश्रा एवं पुत्र विभूति नारायण मिश्र द्वारा फूल एवं आरती से स्वामी जी की पूजा की गई। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अगुवाई में निकाली गई इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत जगह जगह किया गया। सुमन वाटिका से निकाली गई इस शोभा यात्रा का डिकाह तिराहा, कॉलेज चौक, शिल्पी प्लाजा व अन्य प्रमुख मार्गों पर व्यापारियों द्वारा भव्यता से स्वागत किया गया एवं स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। साईं मंदिर से होते हुए उक्त रैली पुनः सुमन वाटिका पहुंची। शंकराचार्य